प्रदेश सरकार द्वारा निकाली जा रही विकास यात्रा के दावों की पोल खुलती तस्वीर आज ग्वालियर कलेक्ट्रेट के बाहर नजर आई, जब सैकड़ों की संख्या में आदिवासी महिलाएं और पुरुष जिला प्रशासन से अपने लिए मूलभूत सुविधाओं की गुहार लगाते नजर आए। दरअसल ग्वालियर के ग्रामीण इलाकों से आए इन आदिवासियों के पास न तो पीने के लिए पानी है और न ही रहने के लिए झोपड़ी। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का भी अभाव है। वहीं सरकार द्वारा बरसों पहले दिए गए हैं जमीनों के पट्टे पर भी दबंगों का कब्जा है। कई बार आवेदन देने के बाद भी जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो ये आदिवासी कलेक्टर से अपनी गुहार लगाने आ गए। लेकिन क्या करें, इस जिला प्रशासन का जो सरकार की विकास यात्रा के चक्कर में इन आदिवासियों से मिलने का समय भी नहीं निकाल पाया। हालांकि कलेक्टर साहब तो यात्रा में व्यस्त हैं, लेकिन 2 घंटे से ज़्यादा इंतजार के बाद भी आदिवासी एकता महासभा के बैनर तले ग्रामीण क्षेत्रों से अपनी गुहार लेकर आई आदिवासी महिलाएं भरी धूप में कलेक्टर के नीचे ही खड़ी रही। सुवरा सरकार होशियार, 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 जादार जमींदार मुनाफा खोर सुवरा सरकार हमारी। देखिए आज हम लोग यहाँ पर आदिवासी एकता महासभा की ओर से आए हुए हैं, जो मध्य प्रदेश किसान सभा से संबद्ध है। यहाँ पर हम लोग ये कहना चाहते हैं कि आदिवासियों की इतनी जलन समस्याएं हैं, आप लोग जो है मीडिया के जो भाई बंद हैं उनसे भी हम लोग ये कहना चाहते हैं कि वहाँ चल के देखिए, कांसेर में चल के देखिए, बंगालीपुरा में, भटपुरा में, सिरौल में, या फिर जो है छीमक की दफाई नंबर 8 में, हमें कहना चाहते हैं कि वहाँ पर इनका विकास नहीं पहुँचा है। जो विकास इनकी फाइलों में है, जो विकास इनके विज्ञापनों में दिखता है, हमें कहना चाहते हैं अभी भी लोगों के पास आवास नहीं है। बरसों से लोग जमीन जोत रहे हैं लेकिन पट्टे नहीं दिए सरकार ने, और जिन पे पट्टे मिले हुए हैं उन पट्टों पर, पट्टे तो मेरे आदिवासी के नाम से हैं लेकिन जोतने वाले कोई दबंग लोग हैं, वो दूसरे लोग जोत रहे हैं। यहाँ के बच्चों के कह रहे हैं कि 10वीं पास बच्चों को हम रोज़गार देंगे, और यहाँ पर कितने बच्चे 10वीं पास हैं लेकिन इनको कोई रोज़गार नहीं मिल रहा, सब बेरोजगार घूम रहे हैं। जाति प्रमाण पत्र बनाए नहीं जा रहा है, राशन मिल नहीं रहा लोगों को। ये तमाम सारी जो मांगे हैं, इन मांगों को लेकर हम लोग आए हुए हैं। एक्चुअल में ये मांगे नहीं हैं, ये तकलीफें हैं जो हम यहाँ पर कहने के लिए आए हुए हैं। और इस पर अगर कलेक्टर साहब ध्यान देंगे तो 1 घंटे के अंदर उनको तमाम सारे अधिकारियों को सस्पेंड करना पड़ेगा, इतना बड़ा भ्रष्टाचार है ये। लेकिन वो करेंगे नहीं, हमें मालूम है, क्योंकि बीजेपी की सत्ता है और सब लोग बीजेपी की सत्ता, जितने भी भ्रष्टाचारी हैं सब बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए वो करेंगे नहीं। इसलिए हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं कि हम लोग बैठेंगे, हमारी समस्याएँ अगर हल नहीं होंगी हम लोग रात में भी बैठेंगे, जाएंगे नहीं, भले चाहे कितने दिन भी बैठना पड़े, लेकिन हम अपनी संख्या यहाँ बढ़ाते रहेंगे, लेकिन जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी हम लोग लौट के नहीं जाएंगे।